तस्बीह पर आपने इस वजीफे का वेद करना है जो कि इस वीडियो में मैं आप भाइयों को तफसील से बताऊंगा कि अमल कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है। एक बार जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अपने गैब से आपको नवाजेगा, अल्लाह ताला अपने गैब से आपको नवाजेगा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन माल ख़त्म नहीं होगा। आप खुद हैरान होंगे इतना ख़जाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये अमल धन दौलत का एक ख़ास अमल, बहुत ही मुजरब तरीन अमल। इस अमल को जो भी शख्स करता है अल्लाह ताला उसे अपने गैब से नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, उसको गिनते गिनते थक जाता है। लेकिन धन दौलत ख़त्म नहीं होती क्योंकि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। जब वो देने पर आता है तो बेनियाज देता है। मेरे भाइयों, अगर आप भी गुर्बत का शिकार हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी हज़ारों मसले हैं गुर्बत की वजह से, तो आप एक बार इस अमल को ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह ताला दिन आपको दौलत की बरसात होगी। इंशाल्लाह ताला अपने गैब से आपको नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को कोई भी शरायत की कोई भी किसी किस्म की शर्त नहीं है, कोई भी ज़कात नहीं है। तो चलिए मेरे भाइयों, मैं आपको अमल बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिर्फ एक तस्बीह लानी है, आपने सोते वक्त ताज़ा वुज़ू कर लेना है, जब सोने लगें तो ताज़ा वुज़ू कर लेना है। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। आपने 4 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़नी है। फिर आपने इस वजीफे का विर्द करना है, या बदीउल अजायब बिल खैर या बदीउ। आपने इस वजीफे को सोने से पहले 1200 मरतबा पढ़ना है और फिर आखिर में फिर से आपने दुरूशी पढ़कर सो जाना है। मेरे भाइयों, बस आपने इतना ही काम करना है। ये वजीफा अल्लाह ताला को इतना पसंद है, इतना पसंद है। जो भी शख्स इस वजीफे का विर्द करके सोता है अल्लाह ताला उसे अपने गैब से नवाजता है, इतना नवाजता है कि उसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला इस वजीफे के सदके उसको बेहद नवाजता है। मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप भाइयों को फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।